नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए आज हम सभी जानेंगे एक बेहद ही ख़ास टॉपिक के बारे में जो आप सभी के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होगा। हमारी कोशिश होती है कि हम आप सभी के लिए अलग अलग बीमारियों के अलग अलग होममेड रेमेडीज द्वारा इलाज लेकर के आएँ, ताकि आप उन चीज़ों का सेवन करके स्वस्थ रह सकें, आपको डॉक्टर के पास न जाना पड़े। कौन चाहता है कि डॉक्टर के पास जाना पड़े? जी हाँ, लेकिन इसके लिए कुछ करना ज़रूरी होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। अगर हम अपने भोजन को नियंत्रित रखते हैं और जानते हैं कि कब किस चीज़ का सेवन करना है, तो हमें डॉक्टर का बहुत ही कम सामना करना पड़ेगा अपने जीवन में। आइए आज हम सभी एक समस्या के बारे में जानते हैं। ये समस्या है मूत्र का कम आना। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम पानी तो पर्याप्त मात्रा में पीते हैं, लेकिन हमारा पेशाब जो है, यानी कि मूत्र जो है, वो कम मात्रा में आता है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो दो छोटी इलायची को पीसकर दूध के साथ सेवन कीजिए। इससे पेशाब खुलकर आएगा और मूत्र दाह भी मिट जाएगा। इसके अलावा जौ का पानी, नारियल का पानी, गन्ने का रस और कुल्थी के पानी का सेवन भी इस कष्ट में बहुत लाभकारी होता है। रात्रि के समय तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल सुबह पीने से मूत्र कम आने में लाभ होता है। इसके अलावा भोजन के साथ छाछ, यानी कि अधिक पानी वाली में थोड़ा सा हरा धनिया मिला करके पीना भी परम लाभकारी होता है। यानी कि जब आप छाछ पी रहे हों तो उसमें थोड़ा सा धनिया मिक्स कर लें, आपके लिए लाभकारी होगा। यानी कि मूत्र कम आ रहा हो तो वो सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसके अलावा गुर्दे की खराबी से यदि पेशाब बनना बंद हो जाए तो मूली का रस 2 औंस प्रति मात्रा में पीने से वह पुनः बनने लगता है। आधा गिलास मूली का रस सेवन करने से मूत्र त्याग के समय होने वाली जलन और वेदना मिट जाती है। अक्सर आप सभी देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है, हम जब पेशाब करने जाते हैं तो हमारे पेशाब में जलन होने लगता है, हमें पर प्रॉब्लम होने लगती है, हमें दिक्कत होने लगती है। इस समस्या से निजात पाने के लिए ये बेहद ही कारगर औषधि है मूली। मूत्र ज़्यादा लाने के लिए मूत्र का जुलाब मक्के के भुट्टे के रेशम से सुनहरी बाल 25 ग्राम लेकर के 250 ग्राम जल में उबालें। जी हाँ, मक्के के ऊपर जो उस पे रेशा होता है उसको निकाल लेना है और उसको उबालना है। 1/3 जल शेष रह जाने पर छानकर उसमें बिना कुछ मिलाए वैसे ही पी जाना है। इस प्रयोग से मूत्र साफ और खुलकर आता है तथा जलन कड़क मिट करके रुक रुक कर बूंद बूंद मूत्र त्याग होने का कष्ट दूर हो जाता है। गुर्दे का दर्द होने पर यही प्रयोग सुबह एवं शाम को करना लाभदायक होता है। दर्द के समय भी यह प्रयोग 2 से 3 घंटे के अंतराल से किया जा सकता है। कई बार इस प्रयोग से गुर्दे की छोटी पथरी भी दिन में 2-3 बार इस प्रयोग को करते रहने से मात्र 2 से 4 दिन में ही निकल जाती है। इसीलिए ये बेहद ही कारगर औषधि के रूप में है। हाँ, होममेड रेमेडीज का जब भी आप प्रयोग कर रहे हों तो एक बात का खास ख्याल रखें कि ये थोड़ा वक्त लेती हैं अपना असर दिखाने में, लेकिन आप सभी के लिए नेचुरल ढंग से आप सभी को फिट करने के लिए ये कारगर होती हैं। कुदरत ने जो चीज़ें बनाई हैं उसकी तो कोई मिसाल दी जाए तो बहुत कम है। हम सभी जानते हैं कि ईश्वरीय चीज़ों का प्रभाव हमारे जीवन पर पूरे जीवन पड़ता है। तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में जुड़ते हैं आप सभी से एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।